हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए देखिए बहुत ही अलग सा पैटर्न बनाना बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन ले ली। अब जो हमने इस तरह से पहले जो चैन ली थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। ये देखिए डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इन दोनों के बीच में, चैन और डबल क्रोशिया के बीच में, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पे छह सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। दो, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हम इस जो डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हम पांच डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब जो हमने जहाँ जिस चैन में से हमने डबल क्रोशिया बुना था, वहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये देखिए टोटल छः हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हो गए। अब हमें शुरू के दो को इनको एक साथ बुन देंगे और इस तरह से बुनते हुए एक, फिर एक बुनेंगे, फिर एक को बुनेंगे, फिर एक बुनेंगे, फिर एक बुनेंगे, लास्ट वाले इन दो को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे फिर से चार चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चैन हो गई। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। जो हमने जहाँ से हम चैन शुरू की थी वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये देखिए डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमें छह सिंगल क्रोशिया बनाने, एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए पांच हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बुना था, डबल क्रोशिया बुना था, अब एक चैन हम यहाँ से बुनेंगे। ये देखिए अब पहले शुरुआत के दो को एक साथ बुन देंगे, फिर एक एक करते हुए हम इन सब को बुन देंगे। ये देखिए लास्ट वाले दो को एक साथ बुनेंगे। अब फिर से हम यहाँ चार चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चैन हो गई। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ से हमने तीन चैन, चार चैन ली थी वहीं से, इस तरह से एक। ये देखिए अब फिर से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हो गए। अब जहाँ से हमने चैन बुनी थी वहीं से, ये देखिए अब दो को एक साथ बुनेंगे, फिर एक एक करते हुए सबको बुन देंगे। याद रखना यहाँ पे शुरू में दो का एक करना है और एंड में दो का एक करना है। फिर हम यहाँ पे चार चैन लेंगे, ये देखिए इसी तरह से हम पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।